हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली श्रेष्ठा, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने किचन में। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना के दिखाने वाली हूं बचे हुए नूडल्स के स्नैक्स। तो चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने सिर्फ मैगी का टेस्ट मेकर डाल के मैगी को बॉयल करके बनाया हुआ है। बचने के बाद मैगी इस तरह से स्टिकी हो जाती है, जो देखने में और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इसे फेंकने का भी मन नहीं करता। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि हम इसका क्या करें, तो इसीलिए मैं आपको इसके स्नैक्स बना के दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 4-5 हरी मिर्च, 1 प्याज, और अगर आपके पास और भी वेजिटेबल हों जैसे कि गाजर, बीन्स, मटर, तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपने पहले ही फ्राई करके नूडल्स बनाए हुए हैं तो उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने प्याज को एकदम महीन चॉप कर लिया है और हरी मिर्ची को भी एकदम महीन चॉप कर लिया है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता, थोड़ी सी एकदम आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च, और आधा चम्मच से भी बिल्कुल कम नमक, क्योंकि मैगी के टेस्ट मेकर में नमक पहले से ही होता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं, और आप इसमें धनिया, हरा धनिया, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें बाकी ग्रीन वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। सब डाल के हम इसको इस तरह से एक स्पून की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए, हमारे नूडल्स का बैटर बनके तैयार है, और हमें चाहिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए हमें 2 से 3 ब्रेड लीजिए, उसे ग्राइंडर में चला लीजिए। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब बनके रेडी हो जाएगा। और कॉर्नफ्लोर का भी एकदम पतला सा बैटर बना लीजिए। पानी डाल के ये देखिए, हमारा पतला सा बैटर बनके तैयार है। इसे अच्छे से घोलिए ताकि इसमें लंप्स ना रहें। ये देखिए, हमारे बैटर में बिल्कुल भी लंप्स नहीं है, और मैंने पहले से ही फ्राई पैन गैस पे रख दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम अपना मैगी का बैटर का एक हाथों से ऐसे मिक्सचर लेके उसको इस तरह दबा दबा के अपना मनपसंद शेप दे दीजिए। ये देखिए, आप इसे राउंड करके इसे ऐसे फ्लैट कर दीजिए। या तो आप इसे ऐसे हाथों से ऐसे दबा दबा के इसको ऐसे
लंबा शेर दे दीजिए। जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से शेप दीजिए, बट ध्यान रहे ये सब करने से पहले आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है। ये देखिए, इस तरह से हम अपने सारे नूडल्स के अपने मनपसंद के आकार के शेप बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स की शेप बनके तैयार हो चुकी है और हमारा ऑयल भी अब गर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने। सबसे पहले हम नूडल्स को ऐसे कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसमें ऐसे ब्रेड क्रम लगाएंगे और इसे गर्म ऑयल में एकदम ध्यान से आराम से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। इसी तरह सारे अपने स्नैक्स ऐसे ही कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर और फिर ऑयल में ऐसे फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह हम अपने सारे स्नैक्स ऐसे ही डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हम इस तरह से सारे स्नैक्स ऑयल में डाल दें तब और ये एक तरह से सीख जाए तब हम इसे आराम आराम से दूसरी तरफ से भी पलट के सेकेंगे। ये देखिए, ना ये कहीं से टूटे हैं ना कहीं से बिखरे हैं और बनाने में भी बहुत आसानी से बनते हैं। अगर आपको मैगी के बैटर का जब आप शेप दें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उस टाइम आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप अच्छे से शेप दे पाएंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए
से आप पलट पलट के चारों तरफ से अच्छे से सेकते रहिए जब तक ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए फ्राई होने के बाद ये ऐसा लगेगा, ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना यम्मी लग रहा है। जो जो हमारे स्नैक्स फ्राई हो जाएंगे उसे हम अच्छे से ऐसे टिश्यू पेपर में निकाल के रखते रहेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा टिश्यू में आ जाए। ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स बनके तैयार हैं। ये कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया दिख रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी होंगे। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और आपके बचे हुए नूडल्स भी ख़राब नहीं जाएंगे। इस तरह से आप उसे अच्छा सा स्नैक्स बना के सर्व कर सकते हैं और इसे इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी है बची हुई मैगी के स्नैक्स पसंद आए हों तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ बनाऊं तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप यह बचे हुए मैगी के स्नैक्स घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यह कैसे लगे।